हेलो दोस्तों, थंबनेल एंड टाइटल देख के तो आप लोगों को पता लग ही गया कि आज की इस वीडियो में आप सबसे क्या शेयर करने वाले। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबसे शेयर करूंगी कि आप जब चैनल क्रिएट करते हो और आप स्टार्टिंग में वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके चैनल पे जो है आपके वीडियोस पे जो अच्छे खासे व्यूज नहीं आते रहते हैं। तो आप में से किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि मैम जो अपना चैनल क्रिएट किया हूँ और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो देखा हूँ जिसमें कि बताया जाता है कि स्टार्टिंग में हमें जो है वीडियो शेयर करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा हूँ जिसमें कि बताया जाता है स्टार्टिंग में अगर हम वीडियो शेयर करते हैं तो हमारे जो है एंगेजमेंट होता है, जो इंप्रेशन होता है वो डाउन हो जाता है। तो दोस्तों क्यों डाउन होता है, और आज की इस वीडियो में आप लोग को ये जानने को मिलेगा कि क्या आप लोग को सच में अपना वीडियो स्टार्टिंग में शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर हम शेयर वीडियो स्टार्टिंग में नहीं करेंगे तो हमारे वीडियोस पे व्यूज कैसे आएंगे और हमारे सब्सक्राइबर गेन कैसे होंगे। क्योंकि हमारा जब चैनल स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे चैनल पे तो 0 सब्सक्राइबर होते, तो हमारे वीडियोस पे व्यूज कैसे आएंगे। तो क्या हमें वीडियो को शेयर करना चाहिए, और शेयर करते हैं तो उस पे क्या हमारे चैनल पे क्या असर पड़ता है, तो यही आज की इस वीडियो में आप लोग को जानने को मिलेगा। और आप लोग को ये भी जानने को मिलेगा कि अगर आप अपना चैनल क्रिएट करते हो और एक मंथ के अंदर ही आप अपना जो फर्स्ट वीडियो वायरल कैसे कर सकते हैं, इस भी टॉपिक पे आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। एंड 100% दोस्तों मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आज की वीडियो आप जो फुल देख लेते हो, फुली वॉच करते हो बिना स्किप के, तो 100% आप भी जो है अपना वीडियो जो है वायरल कर सकते हो, अपना चैनल जो ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, नीचे आप लोग को लाल कलर का आइकन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। जब आप बेल आइकन को ऑल प्रेस करिएगा तो उससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सो सबसे पहले डाउट जो सभी क्रिएटर्स के मन में आता है, और आप में से किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि मैम जो मैं अगर स्टार्टिंग में वीडियो शेयर करता हूँ, और बहुत से लोग कहते हैं स्टार्टिंग में वीडियो शेयर करने से हमारा चैनल जो है डेड हो जाता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या ये सच है या फेक है। हाँ दोस्तों, आपकी स्टार्टिंग की वीडियो जो शेयर नहीं करना चाहिए। अब आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम जो स्टार्टिंग की वीडियो शेयर नहीं करेंगे, जब हम चैनल क्रिएट करते हैं तो हमारे चैनल पे तो 0 सब्सक्राइबर होता है, तो हम अपने वीडियोस पे व्यूज कैसे लाएंगे। दोस्तों मान लो यहाँ पर आपका न्यू चैनल है और आप जो फर्स्ट वीडियो अपलोड करते हो, एंड दोस्तों आप लोग को पता ही होगा यहाँ पर हमारी वीडियो तभी ज्यादा वायरल होती है जब हमारे वीडियो में इंप्रेशन होते हैं एंड एवरेज व्यूज, मतलब कि हमारा वीडियो अगर 5 मिनट का है तो कोई उसको 2 मिनट या 1.5 मिनट भी देखता है तो हमारे वीडियो का जो एवरेज ड्यूरेशन जो होता है हाई हो जाता है, जिससे कि यूट्यूब को लगता है हमारे वीडियोस में कुछ ऐसा है जो लोग देखना पसंद करते हैं, जिससे कि यूट्यूब जो हमारे वीडियो का इंप्रेशन बढ़ाती, लोगों के पास हमारी वीडियो जो भेजती है। तो अगर स्टार्टिंग में अगर आप किसी को वीडियो शेयर करते हो और वो पर्सन जो दोस्तों आप लोग जो वीडियो उसी पर्सन को शेयर करना जो आपकी वीडियो देखना चाहे, मान लो दोस्तों आप किसी और कैटेगरी को, मान लो दोस्तों आपका टैग कैटेगरी, जैसे मेरा चैनल है टैग कैटेगरी का, और मैं अपना चैनल का लिंक जो अपने वीडियो का लिंक जो है गेमिंग चैनल वाले को, जो गेमिंग चैनल है या फिर गेमिंग से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते गेमिंग व्यूअर है, तो मैं उसको वीडियो अपना टैग कैटेगरी का शेयर करूंगी तो क्या वो देखेगी, नहीं। अगर आप ज्यादा करोगे जोर जबरदस्ती से एक दिन अपना वीडियो जो है दिखवा लेते हो उसके बाद अपना चैनल जो है सब्सक्राइब करवा लेते हो, इससे क्या आपके चैनल पे फर्क पड़ेगा। दोस्तों आपने जो है जोर जबरदस्ती अपना सब्सक्राइबर जो है गेन करवाया, जैसे कि आप दूसरे दिन वीडियो अपलोड करते हो, मान लो आपका 10 सब्सक्राइबर जोर जबरदस्ती आपने 10 सब्सक्राइबर जो बढ़ाया, उनमें से आपका एक भी सब्सक्राइबर जो आपकी वीडियो नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि आपने जो जोर जबरदस्ती से उसके भी कहा वीडियो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जबकि वो पर्सन को आपके वीडियोस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो पर्सन जो है आपकी कैटेगरी का नहीं है। इसलिए हमें जो वीडियो शेयर नहीं करना चाहिए। और मान लो दोस्तों हमें वीडियो शेयर भी करते हैं और उस लोगों को करना चाहिए जो बाकी के वीडियो तो नहीं देखे, लेकिन जो वीडियो हम उसे शेयर करते हैं वो वीडियो पूरा देखे, ताकि हमारे वीडियो का इंप्रेशन जो है डाउन ना हो। दोस्तों आप लोग को स्टार्टिंग में जो वीडियो शेयर नहीं करना है, आप लोग को लगातार, जैसे कि आप एक न्यू चैनल क्रिएट करते हो तो आप लोग को लगातार 1 से 2 मंथ जो है ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाना है, और आप लोग का कीवर्ड्स भी अच्छे अच्छे होना चाहिए, जो सर्चिंग हो, जो लोग जो है ज्यादा उस कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। तो आप लोग को स्टार्टिंग में अपना चैनल ग्रो करने के लिए आप लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना होगा। जैसे कि आप जो है वीडियो अपलोड करते हो तो आप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स जो है डालना होगा अपनी वीडियो में, ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाना होगा, रेगुलर वीडियो आप लोग को रेगुलर अपने चैनल पर एक्टिव रहना होगा, ताकि इससे क्या होगा कि यूट्यूब को लगेगा कि ये पर्सन जो हमेशा अपने चैनल पे एक्टिव रहता है और इसकी वीडियो जो रेगुलर डेली जो है अपलोड होती है, और आप लोग को
वीडियो बनाया ताकि आप लोग एक वीडियो अगर सर्च लिस्ट पे आ जाती है तो आपका चैनल ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मैंने आप लोग को तो बताया ही है कि आप लोग को वीडियो अगर शेयर करना है तो आप लोग को उसी पर्सन को करना जो आपकी वीडियो देखे। तो आप लोग को ये डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा कि हमें वीडियो शेयर नहीं करना चाहिए, हमारे वीडियो शेयर करते हैं तो यहाँ पर इम्प्रेशन जो है डाउन हो जाता है। अगर आपके स्टार्टिंग व्यूज कम ही आते हैं, नहीं भी आते हैं, तो आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आप लोग अपना मेहनत करते रहो, आपकी वीडियो जो है आप जो है रेगुलर यूट्यूब पे काम करोगे तो आपकी वीडियो बहुत एक महीना के अंदर ही, अगर इस तरीके से आप जो फॉलो करते हो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो एक मंथ के अंदर ही आपका जो है चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग को अपना वीडियो गलती से भी कहीं भी शेयर नहीं करना। तो अब मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि आप लोग को अपना चैनल एक मंथ के अंदर कैसे ग्रो करना चाहिए। जैसे कि मान लो दोस्तों, जैसे मैं टेक कैटेगरी का हूँ या फिर आपका गेमिंग चैनल है, कोई और कैटेगरी का चैनल, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को तो सबसे पहले आपको एक कैटेगरी जो सिलेक्ट करनी है, आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी के जो भी पर्सन होंगे जिसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर होंगे, तो आप लोग को क्या करना है, उसके इंस्टाग्राम पे जाना है। तो अब आप लोग सोच रहे हो उसके इंस्टाग्राम पे जाकर हमें क्या मिलने वाला, रुको दोस्तों सबर करो, मैं आप लोग को यहाँ पे बता रही हूँ। आप लोग को उसके इंस्टाग्राम पे जाना है, उसके अगर उसके यूट्यूब पे अगर अच्छे खासे सब्सक्राइबर तो उसके इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स होंगे, तो उसके तो उस पर्सन के इंस्टाग्राम पे जो वही लोग फॉलो किए रहेंगे जो उसके कैटेगरी के हैं। और मैंने जैसे कि आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि आप उसी कैटेगरी को फॉलो करना जो आपसे ज्यादा सब्सक्राइबर, और उसको पकड़ो, उसके इंस्टाग्राम पे जाओ तो उसके फॉलोअर्स में जाओ। अब आप लोग उसके फॉलोअर्स में जाके क्या मिलेगा हमें, तो दोस्तों मैंने आपको बताया उसका उसी कैटेगरी का लोग जो फॉलो किए रहेंगे जिस कैटेगरी का आपका चैनल है, तो उसके फॉलोअर्स में जाके आप लोग को क्या करना है, उसको एक एक जो है यूजर नेम को लेना है। यूजर नेम को लेने के बाद उसको देख लेना कि ये पर्सन जो एक्टिव हमेशा रहता है इंस्टाग्राम पे नहीं रहता, तो वो उसका यूजर नेम लेना है एंड उसको फॉलो करना है, उसके 3-4 वीडियो जो लाइक कर देनी है। जैसे आप उसकी वीडियोस को लाइक करोगे के बाद आपको क्या करना है, उसको मैसेज करना है, इस कैटेगरी के मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, आप भी मेरा चैनल चेक करके देखना क्या मेरी वीडियोस में कोई गलती है, और कोई गलती है तो आप मुझे बताना। वो पर्सन जो आपकी वीडियो 100% देखेगी भी और कोई गलती होगी तो आपको बताएगा भी, और आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आपकी वीडियोस को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आपको हमेशा देखेंगे भी, वो आपके एक्टिव सब्सक्राइबर हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो अपना स्टार्टिंग में जो आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे या फिर सब्सक्राइबर गेन करना है, तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में जो है व्यूज या फिर सब्सक्राइबर गेन करना है। ये जो दोस्तों यहाँ से आपको एक्टिव सब्सक्राइबर मिलेंगे और आपकी वीडियो हमेशा ही देखेंगे, तो आप लोग को सेम ऐसे करना है। सो हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग का ये वीडियो में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आप लोगों का बहुत सारा मेरे से क्वेश्चन यही रहता है कि रूही मैम आप अपना स्टार्टिंग का वीडियो जो है कैसे वायरल की और आपका स्टार्टिंग का वीडियो जो है कैसे व्यूज गेन करती थी। सो आई होप कि आप सबका जो भी डाउट था वो आज की वीडियो में क्लियर हो गई, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का मेरे से क्वेश्चन रहता है कि आपने अपना स्टार्टिंग वीडियो कैसे वायरल किया। तो इसी तरीके से मैंने अपना स्टार्टिंग का वीडियो जो वायरल किया, अपना फर्स्ट वीडियो जो वायरल किया, तो आप लोग को सेम यही पूछता जो फॉलो करना। तो कैसे लगी आज की वीडियो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए, और इस चैनल पे इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते किसी इस तरह के मस्त अमेजिंग वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।